Hello dear students, I am Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of organic chemistry and it is properties of covalent compounds. So today I will discuss the properties of covalent compounds. Listen, generally the examples of covalent compounds are compounds of carbon, or we can say carbon compounds are carbon containing compounds are said to be covalent compound because in the compounds they are hydrocarbons. It means they are
सॉल्वेंट होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं या घुल जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस, दे हैव और वी कैन से दे पजेस, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, इट मींस जो भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लिक्विड स्टेट में हमारा पाया जाता है एथिल अल्कोहल C2H5OH, दिस इज एथिल अल्कोहल एंड इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड द एग्जांपल ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज CH4, इट इज मीथेन एंड इट कैन एडजस्ट एज गैस। ये मीथेन हमारी किसकी तरह एडजस्ट करती है, गैस की तरह। सो लिसन, दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट आर कार्बन कंटेनिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है या वो कैसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नाउ वन लास्ट प्रॉपर्टी इज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट बिटवीन एटम्स। इट मीन्स जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब हम आप लोगों को बताएंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। So listen, now we will discuss the properties of ionic compound. Ionic compound is also called as electrovalent compound. So what are the general properties of ionic compound or electrovalent compound? So first property is, so listen, before discussing the properties of ionic compound, first we will discuss some examples of ionic compound or electro compound. Electro compound ionic compound का दूसरा नाम होता है। ऐसे compound जिनमें ionic bond पाया जाए या electrovalent bond पाया जाए तो उन्हें बोलेंगे ionic compounds. For example, NaCl. NaCl में जो दो आयन्स होते हैं Na+ और Cl-
solid NaCl. S means solid. Solid NaCl do not conduct electricity. जैसे कि solid NaCl हमारा electricity को conduct नहीं करता. Now second property. तो
NaCl, it is an ionic compound and they are this compound is generally soluble in water. But these compounds are not soluble. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड की जस्ट अपोजिट होती है। अगर आपको कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पता है तो उनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की। थैंक यू।